नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। ऐसे तो लोकतंत्र में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिल जाती हैं जिनके कुछ खास मायने होते हैं। विरोधियों से लेकर के और पक्ष तक के लोगों के मिलने जुलने की ऐसी कई तस्वीरें देश की आज़ादी के बाद से और आज तक मिलती हैं, जो उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत की जाती हैं। चाहे वो जेपी इंदिरा की मुलाकात हो, अखिलेश प्रियंका गांधी की मुलाकात हो, या फिर अब ये तस्वीर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ये जो तस्वीर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये कल यानी मंगलवार की है, जिस समय अमित शाह संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे। ठीक उसी समय कांग्रेस के दिग्गज नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री पी चिदंबरम बाहर आ रहे थे। इस फोटो के खास मायने क्यों हैं, ये हम आपको बताएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर के खास मायने हैं क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे। अमूमन ये देखा जाता है कि नेताओं की मुलाकातें होती रहती हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, कई बार होती हैं, पर ये जो तस्वीर है इसके खास मायने हैं। इस मामले को पूरा विस्तार से जान लेते हैं। अब आप स्क्रीन पे दो तस्वीरें आपको और दिख रही हैं, दोनों तरफ एक एक तस्वीर दिख रही है आपको। एक तस्वीर इसमें 21 अगस्त 2019 की है और दूसरी तस्वीर जो है वो 25 जुलाई 2010 की है। इन दोनों तस्वीरों को विस्तार से जान लीजिए, क्या है दोनों तस्वीरों के पीछे की कहानी। 2010 जुलाई का महीना, 25 तारीख, उस समय गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार थी, जो अब मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और अमित शाह उस समय गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे। केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे पी चिदंबरम। उसी समय एक चर्चित मामला हुआ था, गुजरात के रहने वाले एक गैंगस्टर का एनकाउंटर मामला, नाम था सोहराबुद्दीन शेख। मामला क्या था, दरअसल मामला 23 नवंबर 2005 का था। गुजरात का रहने वाला गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख अपनी पत्नी कौसर जहां के साथ बस से हैदराबाद से अहमदाबाद जा रहा था। उसी समय महाराष्ट्र के सीमा में गुजरात पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड ने उन दोनों को बीच रास्ते में रात के समय में उतार लिया था। समय बताया जाता है करीब 1 से 1.5 बजे के आसपास रात का समय रहा होगा, उनको बस से बीच रास्ते में उतार लिया गया। ठीक 3 दिन बाद यानी 26 तारीख को सोहराबुद्दीन की गोली लगने से मौत हो गई। इस मौत को गुजरात पुलिस ने, डीजी ने बकायदा घोषणा की कि ये एनकाउंटर है। दूसरी तरफ जो सोहराबुद्दीन का परिवार था वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए, फिर उसमें सीबीआई की एंट्री हुई, सीबीआई ने मामले की जांच की, वहां की लोकल सीबीसीआईडी से मिलकर के उसकी जांच हुई। इसी जांच, जब ये जांच चल रही थी, सीबीआई के द्वारा जांच की जा रही थी, उस समय गुजरात पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने इस मामले में अमित शाह का नाम लिया। तब पहली बार इस मामले में अमित शाह का नाम आया था। ये कहा गया कि गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह के इन्फ्लुएंस पे मार्बल व्यवसायी जो थे उनके कहने पर अमित शाह ने यह एनकाउंटर करवाया था। इस मामले में अमित शाह का नाम आ गया। 25 जुलाई को अमित शाह की गिरफ्तारी हुई। कुछ लोग कहते हैं कि अमित शाह ने आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण गिरफ्तारी की बात दोनों अलग अलग कही जाती है। इस गिरफ्तारी के पहले अमित शाह ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि सारा मामला झूठा है, राजनीति से प्रेरित है और ये जो है वो सब साजिश है। बहरहाल अमित शाह गिरफ्तार हुए, जेल गए, 3 महीने वो जेल में रहे। फिर इसके बाद 29 अक्टूबर 2010 को अमित शाह की जमानत हुई, पर जमानत जो थी वो सशर्त थी, उन्हें गुजरात में घुसने की, उनके गुजरात में जाने पर रोक लगा गई थी, पाबंदी लगी हुई थी, वो गुजरात में नहीं जा सकते थे। इसके बाद वो 2 साल गुजरात से बाहर रहे। फिर उसके बाद 2012 में जब विधानसभा के चुनाव होने थे, उसके पहले अमित शाह को गुजरात में घुसने की इजाज़त मिली, फिर वो गुजरात पहुंचे। उसके बाद जो था वो फिर से एक बार सक्रिय हुए, क्योंकि सरकार थी, समर्थन था, मजबूत नेता माने जाते थे। फिर आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी का समय बदला। 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। अमित शाह चाणक्य की भूमिका में थे, बड़ी
हस्ती के रूप में जाने जाते थे, बड़े नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आई केंद्र में, और इस बार अमित शाह देश के गृह मंत्री बने। ये साल था 2019 का। इसी समय देश में INX मीडिया का जो मामला था वो चल रहा था। इस मामले में पी चिदम्बरम का नाम आया, फिर पी चिदम्बरम इस मामले में फरार घोषित किए गए। उस समय फिर पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी का प्रयास CBI के द्वारा और ED की टीमों के द्वारा किया जा रहा था। ये 21 अगस्त 2019 की बात है। रात 8 बजे पी चिदम्बरम कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचते हैं अपने घर से निकल करके। वहां वो लिखा हुआ अपना बयान पढ़ते हैं, करीब 10 मिनट उनको उनका बयान चलता है, उसके बाद वो लौट करके अपने घर आ जाते हैं। ठीक उसी समय CBI और ED की टीमें भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचती हैं पी चिदम्बरम को खोजते हुए। पी चिदम्बरम वहां नहीं मिलते हैं, उसके पहले वो निकल चुके होते हैं। CBI और ED की टीम पीछे पीछे उनके जोरबाग स्थित आवास पहुंच जाती है। जब जोरबाग स्थित आवास पर CBI और ED की टीम पहुंचती है, उसके पहले वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। टीमों को देखते ही कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। जो CBI और ED की टीम थी वो चिदंबरम के घर का दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा नहीं खुलता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसके बाद CBI की जो टीम है वो दीवार फांद करके चिदंबरम के घर जाती है। उस समय पर ये जिस समय इनकी गिरफ्तारी हुई थी, उस समय घटना खूब चर्चा में रही थी। बहरहाल दीवार फांद करके CBI की टीम उनके घर में घुसती है, रात को उनको गिरफ्तार किया जाता है। उस समय CBI के करीब 30 अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में वहां पर दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद थे। जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के बाद चिदंबरम को, चूँकि वो जो बाकी प्रोसेस होता है रिमांड जमानत और फलाना ढिमका ये सब चला था, बहरहाल चिदंबरम करीब 106 दिन तक तिहाड़ जेल में रहे, फिर उसके बाद उनकी जमानत हुई। अब जब ये दोनों मामले आमने सामने होते हैं, एक समय ये था जब पी चिदंबरम देश के गृह मंत्री थे, तब अमित शाह गिरफ्तार हुए, फिर पी चिदंबरम आरोपी बने और अमित शाह देश के गृह मंत्री बने और फिर पी चिदंबरम की गिरफ्तारी हुई। इसीलिए इस तस्वीर के खास मायने निकाले जाने लगे जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई। बहरहाल जो जानकारी है उसके हिसाब से जब पी चिदंबरम और अमित शाह एक दूसरे के आमने सामने हुए, तब दोनों के बीच में कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई, केवल दोनों ने एक दूसरे को हाथ जोड़ करके और एक दूसरे का अभिवादन किया, जो बेहद सामान्य प्रक्रिया है, और अभिवादन एक दूसरे का नेता जहां भी मिलते हैं वो करते ही करते हैं। कुल मिलाकर ये है कि ये लोकतंत्र है और ऐसी घटनाएं बेहद आम है, ये सब तो चलता रहता है। बने रहिए हमारे साथ, YouTube पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।